पप्पू जी बोल रहे थे 8 जुलाई को केस की सुनवाई है रीस पलवेटिंग की। अरे ये पप्पू ही नहीं है, गप्पू है। इन लोगों ने इतना गुमराह किया है लेवल फर्स्ट के युवाओं को, 2018 से पीना शुरू किया था इसको। बीकानेर शिक्षा निदेशालय के आगे पहुंचा था, तब से आप लोगों को गुमराह करता आ रहा है आज भी, जिसका जिसको खुद को तो नौकरी करनी नहीं है, जिसको बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है, जिसका खुद का बहुत शानदार रोजगार चल रहा है। और मैं उसी दिन भी बोला था, लेकिन किसी कारणवश, क्योंकि कई युवा साथी मेरे से जुड़े हुए हैं जिनका सिलेक्शन हुआ हुआ है, वो ये कहते हैं कि भाई साहब अगर आप बोलते हो तो कई युवा डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं कभी नहीं चाहता युवा साथी डिप्रेशन में जाए, लेकिन सच से अवगत हो जाए। असलम चौबदार बोल रहा है तो आप समझे असलम चौबदार से ज्यादा आप कोर्ट को नहीं जानते, नहीं समझ सकते। मैं 12वीं पास पप्पू नहीं हूं, मैंने 3 बार आरएस का मेंस लिखा है। रीट भर्ती से रिलेटेड ज़्यादा अपडेट्स पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट rkalert.in पर पा सकते हैं। लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जाके चेक कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पे गूगल पे भी आके rkalert.in सर्च कर सकते हैं। जैसे आप rkalert.in सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो है आज तक की जितनी भी सरकारी नौकरी है उनसे रिलेटेड, और इसके अलावा रीट भर्ती से रिलेटेड, राजस्थान पुलिस फिजिकली रिजल्ट, और राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के एग्जाम डेट से रिलेटेड आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। अगर आपको रीट भर्ती से रिलेटेड ज़्यादा अपडेट्स चाहिए तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। नया इंटरफेस ओपन होने के बाद में यहाँ पे आप सारी की सारी अपडेट्स वगैरह चेक कर सकते हैं। तो गाइस लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जाइए और चेक कीजिए। एमएससी होल्डर हूँ मैं, पीजी डबल पीजी हूँ मैं, योग्यता बतानी नहीं चाहिए, लेकिन जो कोर्ट का इश्यूज है 2018 की भर्ती को लेके, आप संविधान को चैलेंज नहीं कर सकते। और संविधान क्या कहता है, अगर आपने आर्टिकल संविधान के अकॉर्डिंग 129 पढ़ा है, उसमें स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि न्यायालय के द्वारा दिए हुए जजमेंट उसमें अभिलेखागार के रूप में सुरक्षित रहते हैं। इंदिरा साहनी का केस कहता है कि जब तक आरक्षण की व्यवस्था की समुचित रूप से पालना नहीं होती है, उससे पहले आप किसी को कुछ नहीं कर पाओगे। आप सोचे दोस्त, एक जज जिसने कुलदीप कुमार नाम से एक फैसला दिया था, वैधता पे बोलूंगा, वेट वेट वेट, एक बात बोल चुका हूं वापस बोलूंगा, कोर्ट में वैधता का केस मजबूत है, बार बार सुन लो, वैधता का केस मजबूत है। एक जज जिन्होंने कुलदीप कुमार नाम से फैसला दिया था, वही जज उसी केस पे स्टे देता है, तो मतलब विभाग बहुत बड़ी गड़बड़ी कर रहा है। इस बात को आप स्वीकार करें, विभाग इतनी बड़ी गड़बड़ी कर रहा है, वो स्टे देता है अपने ऑर्डर पे, फिर वही जज कहता है मैं तो इंसान हूं, गलती भगवान से भी हो सकती है, और अपने ही जजमेंट में एक लाइन और डालता है और उसको चेंज करता है, रिव्यू करता है अपने फैसले को। अरे दोस्तों, आप बात को समझो, अभी आपके पास समय है। आप जितना इस केस पे दिमाग लगा रहे हो, मैं कह रहा हूं उस पे लगाओ, आप बाहर नहीं होंगे। कोई भी एक बंदा, जो लड़का ये कहता है कि मेरे साथी है उनको डिप्रेशन में जाते हैं और आ जाते हैं, दोस्तों कोई डिप्रेशन में नहीं आएगा, कोई बाहर नहीं होगा, किसी को दिक्कत नहीं होने दूंगा। आप मेरे तरीके से बात को समझे, रिसफल होके रहेगा। आप इस बात को समझे, रिसफल क्यों हो रहा है, नॉन ज्वाइनर पर वेटिंग आती है, ये कोर्ट के आदेश है, मेरे नहीं है। आप लोगों को मैं बुरा लग सकता हूं, मैं तो चाहता हूं